बाइक पर बिहार के कवरेज के दौरान वैसे तो जनता की आवाज हमने अब तक पहुंचाई, कई बड़े से लेकर छोटे नेताओं से बातचीत की, बिहार को लेकर उनका क्या विजन है, लोगों के लिए क्या वादे हैं ये जानने की कोशिश भी की। लेकिन न सिर्फ नेता, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं बिहार में जो चुनाव के दौरान सुर्खियां बटोर रहे हैं, और इसमें से एक बड़ा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव, जिनसे आज मैं मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ। और कैसे उन्होंने जनता के बीच इस दौरान अपनी एक और छाप बना ली है, कैसे उन्होंने लोगों की सेवा की और अब चुनाव में उनका क्या रोल है, ये मैं उनसे बातचीत करूंगी। तो बाइक वाली रिपोर्टर आज मिलने वाली है उनसे, जो कि यहीं पर हमारे साथ मौजूद है। चलिए मैं उन्हें इनवाइट कर लेती हूँ, आइए मेरे साथ। तो यहाँ पर आप देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल जी आज हमसे मिलने के लिए खुद आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खेसारी लाल जी। थैंक यू। प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन को हमेशा रक्षापूर्ण रखिए और मास्क लगाते रहिए और डिस्टेंस दूरी बना के रखिए, ताकि जीवन में जो कोरोना काल है उससे हम बच सके और अपने परिवार को बचा सके। कोरोना काल में आपका जो नाम सामने आया, कैसे आपने बिहार के लोगों की सेवा की, और अब चुनाव के दौरान एक बार फिर नेता तो सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन एक और नाम जो सुर्खियां बटोर रहा है वो आपका है, क्योंकि पार्टी चाहे जिसकी भी हो, मंच चाहे जिसका भी हो, एक नाम वहां पर देखने को मिल जाता है, वो आप हैं। तो ऐसे में मुझे बहुत सारी बातचीत आपसे करनी है, लेकिन खेसारी जी, बाइक वाली रिपोर्टर जो है, पहली बार आज ऐसा होगा कि मैं खुद बाइक नहीं चलवाकर आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप आइए मेरी बाइक पर, मैं आपके साथ बिहार का भ्रमण करने के लिए तैयार हूँ। तो आप तैयार हैं मेरे साथ? बिल्कुल तैयार हूँ, और सेवा करने के लिए किसी कोरोना काल की जरूरत नहीं है, और समस्या अगर होती है आपके मन में, विचारधारा है, तो आप अपने जीवन को चला सकते हैं और लोगों का हेल्प कर सकते हैं। रिपोर्टर बाइक वाली आज तैयार है खेसारी जी के साथ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार के साथ बिहार भ्रमण करने के लिए, और चुनाव कवरेज के दौरान कुछ और बातचीत कर उनसे जानेंगे कि क्या है उन मुद्दों पर उनकी राय। खेसारी जी, वैसे ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आज पहली बार अपनी बाइक पर पीछे बैठकर मुझे थोड़ा सा सुकून जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से अपना स्ट्रगल शुरू किया और इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर यूट्यूब के आप टॉप सेंसेशन बने, सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाले एक्टर बने, आखिर ये मुकाम आपने कैसे पाया? देखिए, मुकाम पाने के लिए और टॉप एक्टर बनने के लिए या पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर सर्च होने के लिए मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी काम की और लोगों का प्यार पाया, और लोगों के प्यार अगर मिलता है तो आप वर्ल्ड लेवल पे देखे जाते हो, सुने जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की मोहब्बत है मेरे लिए, और मैं अपने जनता का शुक्रिया अदा कितना भी करूँ तो वो कम है। तो बिहार चुनाव का तो आजकल आप सरगर्मी देख ही रहे हैं चारों तरफ, आपने कई पॉलिटिकल रैलीज की, आप आरजेडी के लिए जाते हैं तो वहाँ लाखों की भीड़, जदयू के लिए आप स्टार प्रचारक बनते हैं तो वहाँ लाखों की भीड़, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नज़र आ रहा है। देखिए, मैं वहाँ पे किसी पार्टी के लिए नहीं जाता हूँ, उस इंसान के लिए जाता हूँ और अपने लोगों से मिलने के लिए जाता हूँ जिससे मेरा संबंध है, और संबंध के लिए कोई पार्टी काउंट नहीं करता है। एक घर से लोग कोई कांग्रेस में है तो कोई बीजेपी में है, तो उनके लिए अगर पार्टी मायने नहीं रखता है तो मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखता, मेरे लिए वो इंसान मायने है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, और उसी बहाने अपने जनता का प्यार आशीर्वाद ले लेता हूँ। लेकिन चलिए, सेलिब्रिटी आपको जिन लोगों ने बनाया है उनके लिए एक सुरीला मैसेज तो सुबह सुबह यहाँ से पहुँचा दीजिए, आप कोई अपना पसंदीदा गीत सुनाकर आज चलती बाइक पर यहाँ पर। बस एक मेरा बहुत बड़ा गाना जो वर्ल्ड लेवल पे बजा था, सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लवट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि नमक रोटी खाइए और अपने गांव के, अपने शहर के लोगों का सम्मान करिए। अभी जो आपने बहुत ही ये वर्ल्ड फेमस गाना सुनाया मुझे, ठीक है, तो मेरे भी जितने बिहारी फ्रेंड्स हैं, ये इतना वायरल हुआ था उस समय कि नॉर्मली बातचीत में जो हम ठीक है बोलते थे, वो भी आपके इस दिए हुए टोन में हम बोलने लगे कि ठीक है। इसकी पॉपुलैरिटी कैसे हुई, कैसे आपने बनाया इस गाने को स्पेसिफिकली लेकर, जिससे एक अलग पहचान मिल गई, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं एक और न्यूज चैनल पर गया था तो उन्होंने सर्वे में निकाला था, तो पूरे वर्ल्ड में चौथा नंबर सर्चिंग पे था मेरा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मैं चौथा ऐसा सिंगर था जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्च हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हुआ, तो हम बोले कि हमारे भाषा में, मैं क्या बोला आपसे कि हमारे भाषा में इतनी मिठास है,
कि हम कहीं भी जाएं तो पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे सर्च हो गया एक भाषा और एक ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि हमें ऐसे विकल्प चुनने की ज़रूरत है। हमारे बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, उर्जवान लोग हैं, मेहनती लोग हैं। तो अगर हम चाहें तो ऐसा विकल्प ढूंढ सकते हैं जो हमारे बिहार को पूरे, मुझे लगता है कि इंडिया में नंबर वन बना सकता है। खेसारी जी, आप बता रहे थे कि आपको कैसे पहले दबंग स्टार, फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार, और फिर जनता ने जो नए नए आपको ये नाम दिए हैं, अब आप उनके सरकार बन गए हैं। जहाँ जाते हैं लोग सरकार आए कहने लगते हैं। तो ये सरकार जो है वो जनता के लिए कौन सा एक अच्छा सा आपका पसंदीदा गाना सुनाना चाहेंगे? मैं बस अपनी जनता और अपने माता पिता है कहिए, समझिए कि बिहार की जनता और भोजपुरी को जो भी प्यार करते हैं वो हमारे लिए माता पिता ही हैं, और हमारी भाषा हमारी माँ की तरह है। तो उस भाषा का मैं गाना मैं इंटरनेशनल चैनल पे गाया था कि सुन सैया हो सुता न तनी को रहने, जरता जवनिया के रहरा हो लगता निकल जाए बाहर हो, दिया के अजूना में तो सुन सैया हो सुता न तनी को रहने। तो ये मेरा इंटरनेशनल गाना था एक है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी से लिखा। कोई भी बैलेंस बनाते हुए मुझे पीछे बिठा कर आप अपने गाने पे जितना बढ़िया फोकस कर रहे हैं ना, ये भी काफी इंस्पायरिंग है। ये आपके अपने हैं और इन अपनों ने आपको बनाया, लेकिन इन अपनों के लिए आपका आगे का कोई प्लान है? क्योंकि देखिए बिहार के मुद्दों में मैं जब देखती हूँ तो यहाँ उद्योग बिल्कुल नहीं है, और इसकी वजह से आप खुद बम्बई जाते हैं, दूसरों को बम्बई जाना पड़ता है, फिर वहाँ बिहारियों का क्या हश्र होता है? खासतौर पर आपसे बेहतर कौन देखा होगा। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को कभी वापस पटना लाने की सोचते हैं आप? अगर आ जाती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा विकल्प हो जाएगा। अगर एक फिल्म सिटी का निर्माण हो जाता है, सब्सिडी का निर्माण हो जाता है, सब्सिडी अगर पास होने लगेगी, सरकार अगर चाहेगी, तो मुझे लगता है कि 3 लाख लोगों को पर डे काम मिल सकता है। आपका जो लेटेस्ट गीत है या फिर आपका जो इस वक्त का ट्रेंडिंग है, आप वो हम हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? एक मेरा देवी गीत, अभी मैंने सरकार ने जब परमिशन माता का जो आसन लगने के लिए नहीं दिया था तो मैंने गाया था, जिस दिन गाया उसी दिन परमिशन मिल गया। कि जब नहीं खे परमिशन मई के आसन के, जब नहीं खे परमिशन मई के आसन के, त कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के, कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। और बम्बई से बिहार आए हैं खेसारी जी, उनके साथ बाइक पर लगभग पूरा पटना तो मैं घूम ही चुकी हूँ, उनके यहाँ पर जो फिलहाल आवास है जहाँ पर वो रुके हुए हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी और बातचीत कुछ देर इनसे यहाँ पर करेंगे, उसके बाद फिर रिपोर्टर बाइक वाली आपको ले चलेगी किसी और क्षेत्र में। हमारा ये सिलसिला चुनावी कवरेज का आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल खेसारी जी के साथ अंदर चलते हैं। बाइक वाली रिपोर्टर का आज का बाइक का सफर तो बहुत ज्यादा दिलचस्प और बहुत ज्यादा अलग इसलिए रहा कि आज ऐसा मौका था जब मुझे कम बाइक चलानी पड़ी और मेरा काम आसान किया खुद भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी जी ने, जिन्होंने पीछे मुझे बिठा लिया और मेरा काम आसान हो गया। लेकिन इस बीच जो ज़रूरी ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर उन्होंने अपनी राय दी। मैं अपनी बातचीत खत्म करूं, साइन ऑफ करूं, बाय बाय बोल के यहाँ से निकलूं, उससे पहले आपके कुछ लास्ट फीडबैक्स ले लेती हूं खेसारी जी। ये बताइए कि जो एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा बता रहे थे कि क्यों हर 5 साल पर सरकारों को बदल जाना चाहिए, चाहे नीतीश जी की हो, चाहे लालू जी की हो, चाहे जिसकी भी हो। देखिए, मेरे कहने का मतलब कि कपड़े फटते हैं तभी नया खरीद के आता है। तो मेरे कहने का मतलब कि इस मैं घर में हूँ, इस घर में जब तक धूल नहीं लगेगी ना तब तक मुझे ये चिंता नहीं होगी कि इसे साफ करना है। हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा तो हम पंखा नहीं लगाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि इनको गर्मी का एहसास दिलाना पड़ेगा। पर्सनली मेरा भी, मेरे तमाम बिहारी दोस्तों का भी, और बिहार की जनता ही क्यों, इंडिया की जनता ही क्यों, इंटरनेशनल ट्रेंड जो आपने सेट किया था, माय ऑल टाइम वन ऑफ फेवरेट आल्सो आपका, फिर से एक बार ठीक है वाला बहुत वर्जन जो है बढ़िया से एक बार हम सबको सुना दी। तो मेरा गाना कहीं ना कहीं मैं इसीलिए गाया था कि मैं नमक रोटी भी खाऊंगा लेकिन मैं अपने बिहार और भोजपुरी की जनता के साथ ही रहूंगा, वो मेरा मोटो यही था। तो मैं आखिरी बार इस इंडिया टीवी के जितने भी दर्शक हैं, आप लोग स्वरूप देवता हैं मेरे लिए, ईश्वर स्वरूप हैं और ज्योति हैं, इनके पूरी टीम है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार को बदलना है तो लोगों को बदलने की कोशिश है, और हर 5 साल पे बदल दीजिए,
किसी के किसी को अगर बपौती बना दीजिएगा ना तो बिहार का हश्र यही होगा। इस घर से निकालने की ज़रूरत है, जब तक इस घर से नहीं निकालिएगा ये घर साफ नहीं हो पाएगा और ना ही इसकी व्यवस्था सुधरेगी। और मैं ज्योति का एक भाई फेवरेट सॉन्ग है और पूरे मुझे लगता है विश्व में उस सॉन्ग को सुना गया और लोगों ने प्यार दिया। सबका डर से हुए हैं फरारे, अब छापड़ा लवट के न जाएंगे, इसलिए हमने इस गाने को गाया था कि व्यवस्था ही नहीं है, क्या करेंगे जाकर। हाँ, लेकिन माँ है हमारी, बिना इसके रह भी नहीं सकता। मैं वो एक मजाक था कि सबका डर से हुए हैं फरारे, अब छापड़ा लवट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, छपड़े में रह जाएंगे। ठीक है, बस यही गाना था। बस मैं यही चाहता हूँ सबसे कि अगर बिहार की जनता, अगर आप लोग जातिगत विचारधारा से हटकर अगर भविष्य तय करना है तो हमें हर 5 साल पे लोगों को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो हमारा बिहार ऐसे ही रोना रहेगा और ऐसे ही हम दूसरे राज्य में जाकर अपने बच्चों का पेट पालेंगे, उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारी खास बातचीत खेसारी लाल यादव जी से, और रिपोर्टर बाइक वाली अब आपको मिलेगी अपने सफर पर आगे अगली मंजिल की ओर। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।